ओपनली मैं आपको बता रहा हूँ कि यू हैव टू रिमेंबर मैनी फॉर्मूलेज अगर आप साइंस स्ट्रीम में आ रहे हैं एंड यू हैव टू स्टार्ट अर्लियर. तो अगर फॉर एग्जाम्पल समझो साइन ऑफ ए प्लस बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा आपको याद रखना ही पड़ेगा. डबल एंगल फार्मूले, हाफ एंगल फार्मूले. इफ़ समवन से साइन ऑफ टू थीटा देन टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा. कैलकुलस है जिसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आता है. देन फिजिक्स में बार बार ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आती है. तो फंडामेंटल चीज़ें क्या है, वेक्टोरियल डिफरेंशिएशन जो होता है, वेक्टर होता है, इंटीग्रेशन होता है, उसमें मेजरमेंट में डायमेंशंस होता है, ये कुछ बेसिक ना फिजिक्स में ये फंडामेंटल बताते हैं बच्चों को और फिर आगे लेकर जाते हैं. सो ज्ञान फ्रीडम मतलब हम 7 वीडियोस पहले अपलोड करने वाले. क्या होगा, 3 वीडियोस विल बी फ्रॉम मेजरमेंट एंड 4 वीडियोस विल बी फ्रॉम स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो मेजरमेंट में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, डेट विल बी डिस्कसिंग. एंड स्केलर्स एंड वेक्टर्स में स्केलर्स क्या है, वेक्टर्स क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो से करते हैं जैसे. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होंगे वो आपको बेसिक वीडियोज़ में बताया जाएगा. एंड देन आगे 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 विल बी डिस्कसिंग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर एंड डायमेंशन में ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग एरर्स एंड मैनी थिंग्स. तो उसको एक स्केड्यूल किया है वेल पैटर्न में. तो कल यानी कि वेनसडे को हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे एंड वेनसडे ऑनवर्ड्स विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो.